नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत में आज हम हितोपदेश के मित्रलाप प्रकरण को करेंगे। भारतवर्ष में कथा साहित्य का जन्म हुआ और यहीं से अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ। प्रारंभ में इन कथाओं का स्वरूप अपरिष्कृत था। इसमें तब औपदेशिक पद्य आदि का अभाव रहा होगा। औपदेशिक से तात्पर्य है उपदेशात्मक। हमारे यहाँ लोकप्रिय और औपदेशिक जंतु कथाओं में कोई भेद नहीं माना गया। लोक कथाओं के दो भेद हैं, कथा और आख्यायिका, किंतु ये भेद क्रियात्मक नहीं है। उपदेशात्मक जंतु कथाओं का एकमात्र उद्देश्य कोमल बुद्धि वाले बालकों या राजकुमारों को राजनीति की शिक्षा देना था। यही कारण है कि बीच बीच में गद्य और पद्य दोनों में ही राजनीति का व्याख्यान यहाँ किया गया है। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, अर्थात वह ग्रंथ जिसमें भलाई का उपदेश हो। हितोपदेश पंचतंत्र से निकला हुआ कथा काव्य है। इसके लेखक नारायण पंडित हैं। ये बंगाल नरेश धवल चंद्र के सभा कवि थे और इनका समय 14वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास है। स्वयं ग्रंथकार ने स्वीकार किया है कि इस ग्रंथ का मूल आधार पंचतंत्र है। हितोपदेश की एक हस्तलिखित प्रति 1373 ईस्वी की प्राप्त होती है। हितोपदेश के चार परिच्छेद या प्रकरण हैं। पहला मित्रलाप, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा संधि। इन चारों परिच्छेदों में नीति के चारों उपायों का वर्णन बालकों की सरलता से ज्ञान होने के लिए कथा रूप में किया गया है। मित्रलाप और सुहृद भेद प्रायः पंचतंत्र से जैसे के तैसे लिए गए हैं। कुछ स्थानों पर तामकीय नीति शास्त्र के वचन ही ग्रंथकार ने उद्धृत किए हैं। अब हम प्रस्तावना करते हैं हितोपदेश की। पहला श्लोक प्रस्तावना का, सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादात् तस्य धूर्जटे जानिवि फेन लेखेव यन्बुद्धि शशिन कला। यन्बुद्धि, जिनके मस्तक पर शशिन कला, चंद्रमा की कला, जानवी फेन लेखा एव, जानवी गंगा के फेन की रेखा के समान अस्ति सुशोभित हो रही है। तस्य धुर्जटे प्रसादात्, उन भगवान शंकर की कृपा से सताम सज्जनों को साध्य अपने अभीष्ट कार्य में सिद्धि अस्तु, सफलता प्राप्त हो। प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में मंगल कामना की जाती है कि कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए। यहाँ लेखक नारायण भट्ट अपने इष्ट देव भगवान शंकर की स्तुति करते हुए अपनी रचना के सानंद समाप्त होने के उद्देश्य के लिए उनकी प्रसन्नता चाह रहे हैं। गंगा को जानवी कहा जाता है क्योंकि जनु की पुत्री ने माना जाता है। जब कपिल मुनि के शाप से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, तब उनका उद्धार करने के लिए भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए। भगीरथ ने तप किया और स्वर्ग से गंगा महादेव जी की जटाओं में आकर गिरी।
तदुपरांत आगे आगे भगीरथ चले और पीछे पीछे उनके गंगा चल रही थी। मार्ग में एक स्थान पर जन्म ऋषि का आश्रम आया। वे कहीं बाहर गए हुए थे। गंगा उत्सुकतावश उनकी कुटिया को सुनी देखकर उसमें घुस गई और उनका सामान चुरा लिया और वहां से चल दी। जब जनु ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्हें गंगा पर बहुत क्रोध आया। उसे दंड देने के लिए उसको पी गए। भगीरथ ने गंगा को अपने पीछे न देखकर उसे ढूंढना प्रारंभ किया। जब उसे सारा वृतांत पता चला तो उन्होंने जनु ऋषि से प्रार्थना की कि वे गंगा को मुक्त कर दें। इस पर गंगा को जनु ने अपनी जंघा से उत्पन्न किया और तभी से वो जाह्नवी कहलाने लगी। श्रुतो हितोपदेशो अयम पाठवम संस्कृत उक्तिषु पाचाम सर्वत्रम वैचित्र्यम नीति विद्याम तदादि च। श्रुतो हितोपदेशो, यह हितोपदेश नामक ग्रंथ सुना गया अर्थात अध्ययन करने से पाठवम संस्कृत उक्तिषु, संस्कृत भाषा में पाठवम चतुरता को, सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम च नीचि विद्याम ददाति, सभी प्रकार की वाणी में वैचित्र्य यानी निपुणता को, नीति विद्याम च ददाति और नीति विद्या को प्रदान करता है, नीति का ज्ञान प्रदान करता है। मंगलाचरण के अनंतर इस पद्य में प्रस्तुत ग्रंथ हितोपदेश की उपयोगिता के बारे में ग्रंथकार कह रहे हैं कि यह हितोपदेश ग्रंथ श्रुत सुना गया अर्थात इसका अध्ययन करने पर संस्कृत उक्तिषु पाठवम, संस्कृत के बोलने चालने में निपुणता आ जाती है, चतुरता आ जाती है। सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम, सब जगह वाणी में निपुणता, नीति विद्याम च ददाति और नीति विद्या को ये प्रदान करता है। अब इसके बाद कहते हैं अजर अमर वत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतियेत ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरित। प्राज्ञ बुद्धिमान मनुष्य अजर अमर वत, अपने को अजर अमर अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु से रहित समझकर विद्याम अर्थम च चिंतित, विद्या और धन का चिंतन करे, उपार्जन करे, उनकी प्राप्ति के विषय में सोचता रहे। मृत्युना केशेषु ग्रहित इव, मानो मृत्यु हमें ले जाने के लिए हमारे सिर के बाल पकड़े हुए हैं, ऐसा समझ करके धर्मम आचरे, धर्म का पालन करे। व्यक्ति को आंग्ल भाषा में जो साहित्य है उसमें मैन इज मॉर्टल कहा जाता है कि जिसने भी जन्म लिया है संसार में उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। इसका आशय यह नहीं है कि प्राणी सदा निराशा के वातावरण में रहे और कोई कार्य ही नहीं करें। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आत्मा तो अचर है, अमर है, पुनर्जन्म निश्चित है, किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु कोई भयंकर वस्तु नहीं है, ये तो जीवन का ही दूसरा रूप है। अतः हमें विद्या और धन के विषय में
उसी प्रकार चिंतन करना चाहिए मानो हम अजर अमर हैं। और जब धर्म की बात हो, धर्म क्या है? धारणात धर्ममित्याहु, जो मनुष्य को धारण करता है। धरति लोकान धीयते पुण्यात्मभिः इति वा धर्म, वह कर्म जिसके करने से करने वाले का इस लोक में अभ्युदय हो और परलोक में मोक्ष हो, उसे धर्म कहते हैं। मनुष्य को पुण्य अथवा अपने कर्तव्य का निरंतर उसी प्रकार पालन करते रहना चाहिए मानो मृत्युना केशेषु ग्रहीति, मृत्यु हमें ले जाने के लिए हमारे सिर के बाल पकड़े हुए हैं। ये समझ करके धर्मम आचरेत, हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। चौथा श्लोक, सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यम आहु अनुत्तमम अहार्यत्वात् अनर्घत्वात् अक्षयत्वात् च सर्वदा। तत्वज्ञा, जो विद्वान लोग हैं वो सर्वदा अहार्यत्वात्, हमेशा सब प्रकार के धनों में विद्या को उत्तम धन मानते हैं। अनुत्तमम द्रव्यम आहु, क्यों मानते हैं? सर्वदा अहार्यत्वात्, क्योंकि चोर उसकी चोरी नहीं कर सकते, अपहरण नहीं की जा सकती। अनर्थवात्, मूल्य देने पर भी वो खरीदी नहीं जा सकती। अक्षयत्वात्, और अक्षय है, दूसरों को देने या पढ़ाने से वो कम नहीं होती प्रत्युत बढ़ती है। इसीलिए सर्वद्रव्येषु, सभी प्रकार के द्रव्यों में, सभी प्रकार के पदार्थों में विद्या एव अनुत्तमम द्रव्यम आहु, विद्या ही उत्तम धन माना जाता है, अनुत्तम द्रव्य माना जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्वपात, जो खर्चे त्यों तो बड़े बिन खर्चे घट जात। बस उसी बात को यहाँ ग्रंथकार ने कहा है। अब पांचवें श्लोक में भी विद्या की ही प्रशंसा कर रहे हैं। संयोजयति विद्येव नीचिका अपि नरम शरीर समुद्रमिव दुर्धर्षम नृपम भाग्यम अत परम। नीचिका अपि, जैसे नीचे की ओर बहने वाली नदी, दुर्धर्षम समुद्र एव, तुष्प्राप्य समुद्र में जा मिलती है, उसी प्रकार से विद्या एव, विद्या नरम रपम संयोजति, नीच पुरुष को प्राप्त होकर भी विद्या उसको रपम संयोजति, राजा से मिला देती है, बहुत बड़े व्यक्ति से मिलाती है, उसके सौभाग्य का उदय करती है। अतः विद्या परम भाग्यम उद्घाटयति, विद्या मनुष्य के उत्कृष्ट भाग्य को खोल देती है। यह सच है कि मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार ही अच्छे या बुरे फल को प्राप्त करता है, तथापि विद्या सदा उस मनुष्य को उसकी उन्नति में सहयोग प्रदान करती है। इस विचार को समझाने के लिए ही यहाँ पर नदी का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे
नदी जो नीचे की ओर बहने वाली नदी है उसमें तृण काष्ठ आदि पदार्थ भी होते हैं, वो भी नदी के साथ बह करके जैसे अथाह समुद्र में जा कर के मिल जाते हैं। उसी प्रकार नीच पुरुष को प्राप्त होकर भी विद्या उसे राजा से मिला देती है, उसके सौभाग्य का उदय कर देती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात्याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या विनयम ददाति, विद्या मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है। विनयात् पात्रताम याति, विद्या पढ़ने से ही मनुष्य विनयवान बनता है और नम्रता से क्या आता है मनुष्य में, पात्रता, योग्यता आ जाती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, सुपात्र होने से वो धन प्राप्त करता है। धनात् धर्मम्, धन से धर्म करता है, यज्ञ दान आदि कर्म करता है, ततः सुखम्, और फिर उसको सुख की प्राप्ति होती है। प्रायः संसार में हम देखते हैं कि हर प्राणी सुख चाहता है। यहाँ उपयुक्त पद्य में ये बतला रहे हैं कि मनुष्य कोई भी प्रक्रिया अपनाए पर सुख के मूल में विद्या है, क्योंकि विद्या युक्त प्राणी नम्र होता है, नम्र होकर ही वो योग्य बनता है, योग्यता से उसे स्वर्ण आदि की उपलब्धि होती है, क्योंकि विश्वास कार्य में नियुक्त होकर कार्य समाप्ति कर देने पर वो अपने स्वामी को प्रसन्न कर बहुत सारा धन पाता है और उस धन से वो पुण्य का अर्जन करता है। अंत में उसे स्त्री पुत्र समृद्धि आरोग्य आदि आनंद मिलता है जिसका वो चिरकाल तक अनुभव करता है। अतः विद्या ही एकमात्र सर्वसुख का साधन है। धन्यवाद।